चीन के कब्जाधारी प्लान का काउंटर करने के लिए ताइवान को एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। अमेरिका ने ताइवान को सबसे विध्वंसक मिसाइल सिस्टम देने पर सहमति जताई है। इस मिसाइल सिस्टम में ताइवान की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ताइवान पर चीन ने अमेरिका को एक बार फिर वन चाइना सिद्धांत की याद दिलाई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ताइवान पर अमेरिका का दखल वाजिब नहीं है। ताइवान के अलगाववादियों को अमेरिकी मदद का चीन सख्त विरोध करता है। ऑपरेशन ताइवान के लिए चीन की आर्मी समंदर में एडवांस उपकरणों से ट्रेनिंग कर रही है। पीएलए के लेटेस्ट वीडियो में रेड आर्मी के जवान समंदर में न्यू इक्विपमेंट के सहारे तैरते दिखाई दिए। तटीय इलाकों में समंदर से लेकर ग्राउंड तक पीएलए की स्ट्राइक ताइवान की टेंशन बढ़ाने वाली है। चीन पर जंगी सनक सवार है। चीन ने अब नया एंटी टैंक वेपन सिस्टम तैयार करने का दावा किया है। पीएलए की वीडियो में इस वेपन से डमी टैंक को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया। पीएलए ने दावा किया कि नया एंटी टैंक सिस्टम युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। जंगी तैयारियों में जुटा चीन लगातार वॉर ड्रिल के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने में जुटा है। लेटेस्ट वीडियो में पीएलए के फाइटर जेट बीवीआर मिसाइलों से डमी स्ट्राइक करते दिखाई दिए। इस लाइव फायर ड्रिल में J-15 फाइटर जेट से ट्रेडमार्क अनगाइडेड रॉकेट भी दागे गए। साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक चीन के लड़ाकू विमानों का एक्शन जारी है। अब चीन के सीसीटीवी चैनल पर Y-20 विमान से दो J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें दिखाई दी हैं। पीएलए ने संदेश देते हुए कहा कि किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान की नेवी भी रेडी टू अटैक मोड में रखी गई है। ताइवान स्ट्रेट से आई तस्वीरों में ताइवानी नेवी की दो मिसाइल बोट्स एक जहाज को एस्कॉर्ट करती नजर आईं, तो ताइवान की नेवी अब एडवांस वर्जन की युद्ध प्रणालियों की टेस्टिंग में भी जुटी है। टेरर कंट्री पाकिस्तान अब चुपके-चुपके यूक्रेन की सैन्य मदद में जुटा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए गोला बारूद की खेप भेजी है। पाकिस्तान में बने 122mm 155mm आर्टिलरी गोले यूक्रेन सप्लाई किए गए हैं। रॉयल एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर की पाकिस्तान में कई बार लैंडिंग हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में सिख महिला के अपहरण, रेप और धर्म परिवर्तन मामले में इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान सरकार ईमानदारी से इस मामले की जांच करेगी और गुनहगारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा।